ओम नमो नारायण, ओम महाशक्ति नमो नमः। महाशक्ति कुंज सेवा ट्रस्ट हरिद्वार रजिस्टर्ड, जिनके अध्यक्ष विश्वपुरी जी महाराज चूना अखाड़ा से आज हमारे पास है, हमारे साथ है। और इनके बारे में जहाँ तक मैंने जाना सुना, काफ़ी सालों से इन्होंने तपस्या करके हिमालय की अनेक गुफाओं में तपस्या करके, खड़ी साधना करके, न जाने कितनी कितनी साधना करके आज समाज कल्याण, संत कल्याण व भारत व विश्व के कल्याण हेतु हम सभी लोगों के सामने आए हैं। महाराज जी जिस प्रकार से भारत देश के अंदर हिंदू संगठित हो रहे हैं, सनातन धर्म की जड़ वैसे तो हमेशा ही हरी थी, लेकिन अब फिर से इतनी जोर जबरदस्ती से हरी भरी हो रही है कि शायद आने वाले कुछ एक सालों में यही भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। और इसमें संत महात्माओं और गुरु ब्राह्मणों, गाय, कन्या, अनादि प्रकार की जो महाशक्तियां हैं, जिनको साथ में लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जब जब देवताओं का आगमन होता है, सनातन धर्म की जड़ हरी भरी होती है, तब इस धरती के ऊपर से हर प्रकार का पाखंड, हर प्रकार के फ्रेम, हर प्रकार के मानव के दुश्मन अपने आप खत्म होते नहीं है। ऐसे महात्मा लोग, ऐसे संतों को आना पड़ता है उन लोगों को अपनी औकात दिखाने के लिए, उन लोगों को अपनी जगह दिखाने के लिए। तो इसी में महाराज जी हमारे साथ है और इन्होंने बड़ी तपस्या की है। इनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द रामबाण की तरह हमारे लिए बिल्कुल कारगर है और कामयाब भी है। ये मैंने काफ़ी बार प्रैक्टिकल देखा है अपनी लाइफ में। तो अब महाराज जी जो है यहाँ पर हरिद्वार में पिछले 6-7 सालों से सेवा कर रहे हैं और अब एकदम खुल कर के सामने आ रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में कभी अमावस्या को लंगर, कभी पूर्णमासी को लंगर, कभी एकादशी को लंगर, तो महाराज जी जो है भंडारे पे भंडारा करते जा रहे हैं। और ये सब महाराज जी का आशीर्वाद हम सभी लोगों पर है, जो कि 4 पैसे भगवान महाराज जी के आशीर्वाद से हमें मिलता है और यहाँ भंडारे में काफ़ी जनता, काफ़ी लोग आकर के सेवा करते हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि अब वो समय दूर नहीं है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसमें हमें ऐसे महान संतों का, ऐसे मंजे हुए संतों का, तपस्वी संतों का साथ लेना अति आवश्यक है। तो हमारी संस्था से ज़्यादा लोग जुड़े और हमारे द्वारा ऐसे कवच जो कि मिस हैपनिंग को टाल देते हैं, रोगों को खत्म कर देते हैं, जो कि हर प्रकार के भय को खत्म कर देते हैं, निर्भय बना देते हैं, ऐसे माँ शक्ति, माँ दुर्गा के बीज मंत्र महाराज जी अपने प्रोग्राम में, अपने समागम में, अपने स्थान पर जब चाहे तब ये प्रोग्राम करके दे देते हैं। और कोई समाज बंधु, अगर कोई भारत देश का कोई भी बंधु अपने एरिया में, अपनी जगह पर 2 दिन का समागम अगर महाराज जी का रखना चाहें तो अवश्य रखें। कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है महाराज जी का। महाराज जी जो मंत्र तंत्र जो भी देते हैं, महाग्रंथ से निकाल कर देते हैं, वो बिल्कुल फ्री है, उसकी कोई फीस नहीं है। महाराज जी बड़े सरल तरीके से उसकी विधि बताते हैं और अगर वह हवन 15 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा हर एक मनुष्य अपने घर में करता है, उसका पूरा का पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। इस बात की भगवान गणपति, जैसे कहते हैं ना कि निश्चित गारंटी, इसकी गारंटी है कि इसके अंदर किसी प्रकार का आपको बाहरी दुश्मनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंडित सुनील जी, अब इनका परिचय सर महाराज का करवाएंगे, कोई बुक्स वगैरह और आषाढ़ का जो सावन का जो बिल्कुल अभी कोई किताब सावन का जो महीना आ रहा है जी, उसमें टेढ़ी एक पिंड पड़ता है मोरिंडा के पास में, वहाँ पर महाराज जी का समागम होने जा रहा है।
उसकी तारीख उसकी डेट फिक्स कर दी जाएगी थोड़े टाइम में, वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। वहाँ पर दो दिन का समागम होगा, दो दिन में महाराज जी आपको हमर की प्रक्रिया बताएंगे, सूक्ष्म बीज मंत्र बताएंगे, जो हमारे लिए ऐसे होंगे जैसे कि हम एक बहुत बड़ी सुरक्षा के बीच में हैं, बहुत बड़े कवच के बीच में हैं। हाँ जी महाराज जी, आप सावन की महिमा की बात कर रहे थे, आपकी कोई पुस्तक भी आ रही है, क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा बताइए। माँ भगवती और शिव की आराधना के लिए बहुत ही एक स्पष्ट तरीका होता है। अब सावन के महीने में लोग तपस्या करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कुछ लोगों को तो पता होगा शायद, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, पर आम पब्लिक को ये नहीं पता होता कि भगवान शिव को जल कैसे अर्पण किया जाए। लोग सीधा ही शिवलिंग पे जल चढ़ा देते हैं, वो शिव को स्वीकार्य नहीं होता। तो उसके लिए हम वहाँ पर पंजाब से अपने गुरु के स्थान से पहले शुरू कर रहा हूँ, और हमारी बुक्स भी आती है, उसमें एक ऐसा बीज मंत्र होगा शिव का जो कठिन से कठिन पाप और कष्ट को दूर करेगा। और हम चाहते हैं कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं, और तारीख हमारे सुनील जी उच्चारण करें। नहीं, वो मंत्र बीज मंत्र होते हैं, वो गुप्त मंत्र होते हैं, वो किसी को दिखाना भी नहीं होता है, जिसको दिया जाएगा वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखेगा, क्योंकि उस मंत्र को देने से और दिखाने से उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। जैसे भस्मासुर ने जब भगवान शिव पे ही उल्टा हम आक्रमण कर दिया, तो फिर उस टाइम पार्वती को भगवान शिव ने बोला था कि ये मंत्र अपने पास सुरक्षित रखो, जब कोई इनका बीज मंत्र का कोई पासवर्ड देगा तभी ये मंत्र काम करेगा। इसलिए ये मंत्र सुरक्षित है, और इसको मतलब तिथि पे ही लिया जाता है, और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है कि जी आप भी ले लो, आप भी ले लो, नहीं, ये उस रात को दिया जाता है जो निर्धारित। तो जो सावन का महीना आने वाला है, शिव महिमा की बात की जाती है, ये मतलब सभी के लिए अच्छा फलवंतित होता है, या जैसे लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर के लिए ज़्यादा है, कि कोई इसकी अलग से वो है पूजा करने का तरीका है? ये सबके लिए ठीक है, और कोई भी कर सकता है, इसमें कोई नहीं है कि बड़ा आदमी करे, छोटा ना करे, पापी ना करे, पुण्यात्मा करे, भगवान शिव सबके लिए बराबर है, वो राक्षसों के भी देवता है और देवताओं के भी देवता है, इसलिए तो उनको महादेव कहा। उनका सिर्फ जल चढ़ाने और अभिषेक करने का एक विधान है, उसके तरीके से करना चाहिए तो फल जल्दी मिलता है। दूसरा एक और बड़ा है कि लोग कहते हम पंडित से करवाएंगे, इतना करेंगे, सुमान लाएंगे, उसका हम उस किताब में बड़ा ही साधारण तरीके से आपको समझाएंगे और उसे समागम में बताएंगे, तो उसको आप खुद ही कर सकते हैं। रुद्राभिषेक जिसको कहते हैं, वो आप खुद अपने आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, प्रतिष्ठित मंदिर में कर सकते हो, और उसके लिए आपको वही आना पड़ेगा। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरह और महीने होते हैं भगवान शिव के, तो सभी महीने हैं, लेकिन जो सावन का महीने की खास बात की जाए, इसमें क्या अगर कोई श्रद्धालु अगर पूजा पाठ करता है तो भगवान शिव ज़्यादा मतलब कि प्रसन्न होते हैं, जल्दी उसका फल मिलता है? सावन महीना एक बड़ा शिव का प्रिय महीना है, और उसमें बेलपत्र चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है। इसमें तो आपको कहानियाँ बहुत छोटी छोटी, बड़ी बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, तो कहानियाँ तो नहीं सुनाई जा सकती, लेकिन आप यही समझिए कि शिव बड़े दयालु होते हैं, और इस महीने में खास कर दयालु होते हैं, तो शिव की आराधना करना जरूरी है। तो आप बात और मैं करूँगा, जो कांवड़ लेके जाते हैं, आप कांवड़ लेने आते हैं जी, वैसे तो सबको अपना अधिकार है, हम किसी को कुछ शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन उनको एक शिक्षा जरूर देना चाहूँगा कि जो कमर के नीचे भगवा पहनते हैं उससे उनको पाप लगता है, अब वो माने या ना माने उनकी मर्जी है, क्योंकि हमने देखा ज़्यादातर भगवा कलर में वो कच्चा पहन रखा होता है, पैंट पहन रखी होती है, कमर के नीचे ही होता है, कमर के नीचे वर्जित है, आपने पहनना है भगवा कुर्ता डाल लो, गमछा डाल लो, लेकिन पैरों के नीचे, कमर से नीचे भगवा पहनना वर्जित है।
तो बाकी भक्तों की मर्जी है लेकिन ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो सावन का महीना है, आने वाला है, हरिद्वार में आप बैठे हैं, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ कांवड़िए भी आएंगे, तो उनके लिए क्या संदेश है? एक तो आपने बहुत बड़ी जानकारी दी कि भगवा जो है कमर के नीचे ना पहने, और ऐसी क्या सावधानियां रखे जिससे उनको, मतलब आपने तो यहाँ मेला भी देखते हैं। मैं कहता हूँ कि जो आते हैं हमें देखते हैं ना, कि मैं उनसे अनुरोध करूंगा अपने शिव भक्तों से जी प्रार्थना करूं, वो भी बड़े प्रिय हैं, अगर भगवान शिव को प्रिय है तो संत को प्रिय है कि वो मेहनत करते सब, पर उनको कहते जो उनके अंदर होता है ना, कई लोग देखे में दारू पीते हैं या मतलब जल लेते हैं, नशा करते हैं, कुछ नशा भी करते हैं, बहुत नशा करते हैं, गलत है ये सब, ये बहुत गलत है। भगवान शिव ने तो जहर भी पिया था, तो आप जहर पी के देखिए, वो तो आप पी नहीं सकते, तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप बना लेते हैं कि भगवान से बूटी पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने भगवान से सतमार्ग पे चलना है तो नशों को छोड़ना होगा। भगवान कभी खुश नहीं होते, आप नशा पी के जल चढ़ाते हो, यात्रा करते हो, ऐसे में कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला। तो महाराज जी, कितने श्रद्धालु जो है सावन के महीने, मतलब कितने के यहाँ पर पहुँच जाते हैं कांवड़िया, या क्या उनकी संख्या की बात की जाए, कितने तादाद में होते हैं? यहाँ संख्या तो बहुत करोड़ों में संख्या होती है, और अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि उनको देख के बड़ा मन खुश होता है, शिव भक्त हैं, हमारे देश का सनातन जिंदा है। तो जिस तरह आप एक ट्रस्ट की बात कर रहे थे, शांति कुंज या जिसका नाम ले रहे हैं, माँ शक्ति कुंज जी, आपने वो बनाया हुआ, उसका क्या कोई कांवड़ियों को उसका फायदा होता है, अगर वो आपसे कोई मदद लेना चाहें, इतनी भीड़ होती है, किसी को मदद की जरूरत होती है, तो क्या उससे कोई मदद मिलती है आपके ट्रस्ट की तरफ से? हाँ, अगर हम मौके पे हमारी कोई सेवा हो सकती है, जरूर करते। धन्यवाद महाराज जी।